नेक्स्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग, जिस तरह हम बाकी लैंग्वेजेस में ट्राई कैच होता है, यहाँ पे हमारे पास ट्राई और एक्सेप्ट है। इस पीस ऑफ कोड को पहले देख लेते हैं। ये पीस ऑफ कोड क्या कह रहा है, यूज़र से इनपुट ले रहा है और एक्सपेक्ट कह रहा है कि यूज़र जो इनपुट करेगा वो एक इंटीजर या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होगा और वो पर्टिकुलर वेरिएबल इसमें स्टोर होगा, और देन ये फार्मूला अप्लाई करके उस फोरन हाइट वैल्यू को वो सेल्सियस में कन्वर्ट कर देगा। इसको रन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 43, ये रन हुआ और उसने 43 फॉरन हाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर दी। अब अगर मैं दोबारा से रन करता हूँ और यहाँ पे मैं नंबर देने के बजाय कोई भी एस स्ट्रिंग दे देता हूँ, तो अब उसने एक्सेप्शन थ्रो कर दी। हम इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए प्रॉपर इस ब्लॉक को ट्राई और एक्सेप्ट में लिख सकते हैं। जिस तरह इफ एल्स में हमारे पास जो भी पीस ऑफ कोड लिखना था इफ या एल्स में इंडेंट करके लिखना था, तो यहाँ पे भी हम लिख रहे हैं ट्राई का कीवर्ड कॉलन और वो तमाम की तमाम स्टेटमेंट्स जो ट्राई के अंदर लिखना चाह रहे हैं वो हमने इंडेंट करके लिख लें। देन उसके बाद एक्सेप्ट आ गया और एक्सेप्ट की में भी जितनी स्टेटमेंट्स हैं वो हम इंडेंट करके लिख रहे हैं। अब क्या होगा कि यूज़र अगर एंटर करता है इंटीजर तो स्मूथली ये सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी और एक्सेप्ट वाली स्टेटमेंट इग्नोर हो जाएंगी। अगर यूज़र स्ट्रिंग एंटर कर देता है तो देन एक्सेप्शन थ्रू होगी और आपका प्रोग्राम क्रैश नहीं करेगा जैसे कि पहले क्रैश कर रहा था, बल्कि प्रॉपर एक मैसेज शो हो रहा होगा। यहाँ पे भी इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सो 43 एंटर किया, उसने प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट कर दिया। अब देन आपने यहाँ पे N1 एंटर किया और अब उसने दोबारा से मैसेज शो कर दिया, प्लीज़ एंटर अ नंबर। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है शॉर्ट सर्किट एवेल्यूएशन ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशंस। शॉर्ट सर्किट एवेल्यूएशन में क्या होता है, अगर हम इस स्टेटमेंट की एग्जांपल लें जहाँ पे मेरे पास एंड हो रहा है, अगर पहली स्टेटमेंट फॉल्स है और क्योंकि इसमें एंड ऑपरेटर है, तो अब दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स हो या ट्रू हो तो इस कंप्लीट एक्सप्रेशन ने फॉल्स ही रिटर्न करना है। सो शॉर्ट सर्किट एवेल्यूएशन में अगर हम एंड की बात करते हैं तो ये वाली कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो रिमेनिंग पोर्शन एवेल्यूएट नहीं होगा। अब जो एग्जांपल्स हम डिस्कस कर रहे हैं इसको आपने ज़रा ध्यान से डिस्कस कर देखना। आपको इन तीन एग्जांपल्स में ये वाली सेम स्टेटमेंट सेम नज़र आ रही होगी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड x डिवाइडेड बाय y ग्रेटर देन 2। यहाँ पे भी सेम स्टेटमेंट है और यहाँ पे भी सेम स्टेटमेंट है। अब x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2 हुआ और x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, कंडीशन ट्रू हुई, आगे वाला पोर्शन चेक होगा और देखा गया कि 6 डिवाइडेड बाय 2, 3 ग्रेटर देन 2 अगेन ट्रू हुई और यहाँ पे रिजल्ट ट्रू रिटर्न हो गया। इस वाले केस में x इज इक्वल टू 1 है, y इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 0 है। ये वाली कंडीशन पहली फॉल्स हुई क्योंकि 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, कंडीशन फॉल्स हुई, ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा और आपको फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। इस वाले केस में x इज इक्वल टू 6 है, y इज इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू 0 की वैल्यू यहाँ पे भी थी, लेकिन अब जब हम इसको एवेल्यूएट करेंगे तो ये कंडीशन ट्रू हुई और ट्रू होने की वजह से ये वाला पोर्शन एवेल्यूएट हुआ, 6 डिवाइडेड बाय 0। सो किसी भी चीज़ को हम जब डिवाइड करते हैं 0 से तो क्या हो जाता है, एक्सेप्शन आ जाती है। तो ये अब ये देखें एक्सेप्शन आ गई। अब इसको डील करने का एक तरीका ये कि हम प्रॉपर तरीके से एक्सेप्शन हैंडलिंग करें, और दूसरा तरीका क्या है कि हम गार्ड एवेल्यूएशन करें। गार्ड एवेल्यूएशन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने अब इस स्टेटमेंट से पहले हमने y इज इक्वल टू y इज नॉट इक्वल टू 0 कर दिया और हमारे पास रिजल्ट के केस में फॉल्स आ रहा होगा। अब आप इसको रन करेंगे तो अब भी आपके पास फॉल्स आ रहा है।